पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर टू विच इज गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, सो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा चैप्टर है ये। फर्स्ट चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में और डाइपोल, ये फील्ड लाइंस इसके बारे में। ओके, अब ये सेकेंड चैप्टर है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड है गॉस लॉ के ऊपर, है ना। तो गॉस लॉ कैसे हमको मदद करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, उसको देखेंगे इस चैप्टर में, है ना। तो पहले मैं बताया था उस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिर उसके बाद उसको समझने के लिए हमको किस किस कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि हम प्रीवियस चैप्टर में हम ये पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, और एक चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ जो फील्ड प्रोड्यूस होता है, फील्ड के अलग अलग पॉइंट्स पे जो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पता करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट लाए थे। ओके, और ये फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हमको पता करने के लिए आसानी से गॉस लॉ मदद करता है। ओके, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, देखो चार्ज कभी एक लाइन के ऊपर ऐसे रह जाता है, एक लीनियर सरफेस के ऊपर, है ना, कभी एक मतलब वो कर्व सरफेस के ऊपर रह जाता है, सरफेस एरिया के ऊपर रह जाता है, कभी एक वॉल्यूम में इंक्लोज हो जाता है। तो चार्ज कहीं पर भी रह सकता है, किसी भी अलग अलग तरह का सरफेस के ऊपर रह सकता है, सरफेस एरिया के ऊपर रह सकता है, मतलब जैसे कि एक स्फेरिकल सरफेस एरिया देखो उसके चारों तरफ रह सकता है, और एक मतलब सॉलिड स्फीयर उसके अंदर भी रह सकता है ना, एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, एक अलोंग ए लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो अलग अलग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, और अलग अलग चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसके चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट होगा वो भी अलग अलग तरह की होगा, और उसके अलग अलग पॉइंट्स में फील्ड इंटेंसिटी भी अलग अलग तरह के होंगे, बात है समझ में। और अलग अलग मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला उसको पता करने के लिए हमको आसानी से मतलब वो हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए अगर हम गॉस लॉ को इस्तेमाल करेंगे। तो ये गॉस लॉ क्या है इसको तो पढ़ेंगे बाद में, अब उसको पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट्स है जिसके बारे में हमारा नॉलेज होना चाहिए उसको मैं पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट बताऊंगा, देखो ये भी बहुत सारे देखो बेसिक्स के अंदर बेसिक्स भरा है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमको फ्लक्स क्या है ये समझना पड़ेगा, फिर एरिया वेक्टर का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट जो तुम पढ़े हो 11th में उसका थोड़ा सा वो रिकैप भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ अगर नहीं समझोगे ना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या ये भी नहीं समझ पाओगे, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ये भी नहीं समझ पाओगे तो फिर गॉस लॉ बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, और चैप्टर टू वो मतलब पूरा वो कम समझ में आएगा, पता है समझ में। तो इसलिए सबसे पहले हम समझते हैं फ्लक्स है क्या। तो जब भी हम फ्लक्स बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, ओके? तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, और ये अंग्रेजी वर्ड या फिजिक्स में ये जो वर्ड है फ्लक्स इसका मतलब क्या है इसको मैं बताता हूँ। देखो फ्लक्स अलग अलग तरह का हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वाटर फ्लक्स, विंड फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स हो सकता है। तो फ्लक्स किसको बोलते हैं, जब कोई एक मैटर फ्लो करता है एक गिवन सरफेस के थ्रू, ओके? तो कोई फ्लोइंग मैटर जब एक सरफेस के थ्रू फ्लो कर जाता है उसी को ही बोलते हैं फ्लक्स। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक मतलब सरफेस एरिया ड्रॉ कर दिया, इसके थ्रू मैं पाइप से लाके पानी को फ्लो कराऊंगा, मान लो ये होल है इसके मतलब इसके थ्रू कुछ चीजें पास करने के लिए जगह है तो मैं पानी को फ्लो कराऊंगा, तो जितना पानी इस सरफेस एरिया के थ्रू पास करेगा तो मैं बोलूंगा इस सरफेस एरिया के साथ ये पानी का फ्लक्स इतना लिंक्ड है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ पानी जा रहा है उसके अंदर, बात है समझ में। तो अगर विंड फ्लो करेगा तो विंड फ्लक्स लिंक्ड है इस सरफेस के साथ। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास करेंगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसके थ्रू जितना पास करेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, बात है समझ में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आगे तो बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, अब बस इतना ही तुम समझो फ्लक्स जब बोलते हैं ना, कोई चीज जब फ्लो करता है तो फ्लो से फ्लक्स आया है, ओके? तो कोई चीज फ्लो कर रहा है एक गिवन सरफेस के थ्रू, मतलब एक डेफिनेट अमाउंट पर क्वांटिटी के रूप में, है ना, तो उसको बोलेंगे उस क्वांटिटी का फ्लक्स, ओके? तो जब वाटर फ्लो करता है एक गिवन सरफेस के तो उसको वाटर फ्लक्स बोलते हैं, जब विंड फ्लो करता है विंड फ्लक्स बोलते हैं, और सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, बात है समझ में। तो ये था हमारा ये फ्लक्स का आइडिया, थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब देखो फ्लक्स के बाद मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये है एरिया वेक्टर का कंसेप्ट।
तो देखो तुम अब तक तुम पढ़े हो कि एरिया जो क्वांटिटी है यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन है नहीं। जब भी हम यूनिट डायमेंशन देखते थे या हम 11th में फिजिक्स पढ़ते थे, एरिया जब आता था ये इसके लिए हम डायमेंशन लिखते थे एल स्क्वायर, है ना, एल स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेंथ लेंथ इंटू लेंथ, इस तरह का आता था एरिया। और इसका ये मतलब जब स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल आता है ना उसमें भी बताया जाता है कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। मगर अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है और एरिया वेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। तो ये क्यों जरूरत पड़ा, एरिया वेक्टर क्यों डिफाइन करने मतलब करना हमको जरूरत पड़ा, इसको भी समझ लो। और इसका वेक्टर, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी एरिया है तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसको भी समझना है आप लोगों को। बताए समझे, तो मैं एक चीज बता देता हूँ, जब फ्लक्स आ जाता है तब एरिया वेक्टर बन जाता है। तो कैसे, जब एक सरफेस है ना, मान लो एक इस तरह का सरफेस है, इसके थ्रू कोई मैटर कोई मतलब चीज फ्लो कर रहा है। तो जब फ्लो कर रहा है तो ये सरफेस जो है ना, ऐसा नहीं कि प्लेनर सरफेस है ना, तो ये अलग अलग स्फेरिकल कर्व सरफेस है। तो ये कर्व सरफेस है तो इसके थ्रू कोई अगर मैटर फ्लो कर रहा है तो कर्व सरफेस के इस डायरेक्शन में जितना अमाउंट का फ्लो करेगा तो इस डायरेक्शन में दूसरे अमाउंट का फ्लो करेगा, तो इस डायरेक्शन में अलग अलग अमाउंट का फ्लो करेगा। तो एक सरफेस के अलग अलग डायरेक्शन के अलॉन्ग एक मैटर या मटेरियल क्वांटिटी ये अलग अलग अमाउंट में फ्लो करेंगे। बात है समझ में, तो इसीलिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग कितना मैटर फ्लो कर रहा है उसको पता करने के लिए हमको उस सरफेस का डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि ये सरफेस एक डेफिनेट डायरेक्शन इस अलॉन्ग है और इसके अलॉन्ग कितना मैटर फ्लो कर रहा है। तो इसलिए तो हमारा कोई भी सरफेस एरिया है तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बताया जाता है तब जब फ्लक्स का कंसेप्ट उसके साथ रिलेटेड हो जाता है। पता है समझ में, तो कोई चीज उसके थ्रू उससे सरफेस एरिया के थ्रू जब फ्लो कर जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उस केस में उस एरिया का जो डायरेक्शन है वो मैटर करता है। क्लियर है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ हमेशा याद रखो, अगर आपके पास कोई एक प्लेनर सरफेस है, इस तरह का सरफेस हमारा प्लेन है, तो ये सरफेस का जो मैग्नीट्यूड है, जो सरफेस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है, ये तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर दोगे रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसका एरिया का अमाउंट आपको मिल जाएगा। मगर इस सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ रहेगा, अलोंग द नॉर्मल डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। ओके, तो हमेशा याद रखो इस सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है, इसका जो एरिया वेक्टर बन रहा है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ बाहर की तरफ, जो नॉर्मल बनेगा बाहर की तरफ। ये हमेशा याद रखना, नॉर्मल दो तरफ बन सकता है, बाहर की तरफ बन सकता है, अंदर की तरफ भी बन सकता है, और जो नॉर्मल एक सरफेस को बाहर की तरफ बनेगा इसको ही बोलेंगे हम उसका एरिया वेक्टर। पता है समझ में, और यही हो जाएगा इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन। क्लियर है, तो इसलिए इसको तो बाहर की तरफ ऐसे थ्री डायमेंशनल शो नहीं कर सकते, उसको ऐसे शो कर रहे हैं। तो ये हो गया एस वेक्टर, एस फॉर सरफेस एरिया, तो एरिया वेक्टर एस वेक्टर ऐसे शो करते हैं। और इसका ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर, एस क्या आप लिख सकते हो या एन क्या आप भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर और ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर टू दिस प्लेनर सरफेस। अगर प्लेनर सरफेस ना हो कि कोई कर्व सरफेस हमारे पास है, जैसे कि इस तरह का कोई कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस का मतलब अलग अलग नॉर्मल्स बनेगा, इधर नॉर्मल इस डायरेक्शन में बनेगा, इधर नॉर्मल दूसरे डायरेक्शन में बनेगा, इधर दूसरे डायरेक्शन में, क्योंकि कर्व्ड हो गया सरफेस तो उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर निकालेंगे बहुत अलग अलग डायरेक्शन में बनेगा। अगर बाहर की तरफ अगर ऐसे सरफेस कर्व्ड है, मतलब यहाँ पे बाहर आया है फिर अंदर चला गया फिर बाहर आ गया, ऐसे हो गया, तो इधर डायरेक्शन जो होगा इधर डायरेक्शन अलग होगा नॉर्मल का। तो उसलिए क्या करते हैं, उस कर्व्ड सरफेस के ऊपर छोटा सा एक प्लेनर मतलब सरफेस एरिया का सेगमेंट लेते हैं, फिर उसको परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं बाहर की तरफ नॉर्मल, और इसी को ही बोलते हैं ये मतलब कर्व्ड सरफेस का ये हो गया सरफेस एरिया एरिया वेक्टर। ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर। बात आया समझ में, तो इसलिए हमेशा याद रखो जो एरिया वेक्टर है ये क्या है, ये एक डायरेक्शन बताता है एक सरफेस एरिया का। तो ये इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा,
आउटवर्ड अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, है ना, कोई भी सरफेस को बाहर की तरफ जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उस नॉर्मल के अलोंग ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। इतना क्लियर है आप लोगों को? अगर प्लेनर सरफेस है तो डायरेक्ट आसानी से पता चल जाएगा, अगर कोई दूसरा कर्व्ड सरफेस हमारे पास है उस केस में छोटा सा प्लेनर एलिमेंट लेंगे, टुकड़ा लेंगे और उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बाहर की तरफ और वही डायरेक्शन दे देगा इस सरफेस एरिया का, जो वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये था हमारा एरिया वेक्टर का एनालिसिस। अब देखो लास्ट में बताता हूँ डॉट प्रोडक्ट है क्या, डॉट प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट था उसका मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ, क्योंकि ये सारा चीज हमको जरूरत पड़ेगा जब हम मैं तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताऊंगा। तो देखो डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या था, एक वेक्टर ऐसे था मान लो ए वेक्टर और एक वेक्टर ऐसे था ये बी वेक्टर और इनके बीच में एंगल था ये थीटा, कितना एंगल था थीटा, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी ये क्या था याद करो, ए बी कॉस थीटा, क्या था ए बी कॉस थीटा, मतलब दो वेक्टर को प्रोडक्ट करके हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलता था। क्लियर है? तो इसलिए जब दो वेक्टर से हमको एक स्केलर क्वांटिटी पाना है उस केस में डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी ए बी कॉस थीटा इसका मतलब क्या था याद करो, कि इसको अगर बी का ऐसे कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे तो मेरे को बताओ ये b वेक्टर का जो कंपोनेंट a वेक्टर के अलोंग बनेगा तो ये कितना हो जाएगा, b का इस डायरेक्शन के अलोंग जो एंगल मतलब कंपोनेंट बनेगा इसको b cos थीटा बोलेंगे, और इस तरफ बनेगा 90 माइनस थीटा ये एंगल हो जाएगा, तो इधर b sin थीटा बन जाएगा। तो मेरे को बताओ b वेक्टर का जो कंपोनेंट a वेक्टर के अलोंग है वो है b cos थीटा, तो b cos थीटा इनटू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसको इसके साथ के इनटू कर दो ab cos थीटा वही आ जाएगा a डॉट। तो इसका मतलब जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं हम करते क्या है, एक वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग उसका मैग्नीट्यूड के साथ दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट उस वेक्टर के अलोंग निकालते हैं और उसको उसके साथ प्रोडक्ट करते हैं, मतलब समझ में। तो ये जो ए हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी कॉस थीटा हो गया बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, तो ये हो गया b cos थीटा। इन दोनों को मतलब प्रोडक्ट करने के बाद हमको जो स्केलर क्वांटिटी मिलता है ab cos थीटा इसको हम बोलते हैं a डॉट b, मतलब a और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, बताया समझ में। तो यही है उसका कांसेप्ट। तो आपको यहां पे एक चीज बता दूंगा कि ये कंपोनेंट आप लोगों को कैसे रिजॉल्व करना है ये आना जरूरी है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट बनेगा ये कितना होगा ये आपको पता होना जरूरी है। तो एक b वेक्टर का जो कंपोनेंट a वेक्टर के अलोंग उसको पता करने के लिए कितना एंगल बना रहा है वो पता करो और फिर cos थीटा इनटू कर दो, तो b cos थीटा हो गया a वेक्टर के अलोंग b का कंपोनेंट, तो फिर वो b cos थीटा को a के मैग्नीट्यूड के साथ इनटू कर दो a b cos थीटा, ये हो जाएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट से हमेशा हमको वेक्टर क्वांटिटी से स्केलर क्वांटिटी मिलता है। क्लियर है? तो ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट, थोड़ा बहुत आपको याद दिला दिया। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है आप लोगों को अभी याद आ गया, एरिया वेक्टर भी क्या है, कैसे स्केलर से हमको वेक्टर का जरूरत पड़ा ये भी बता दिया, और उसका डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगा एरिया वेक्टर का, कोई भी सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा ये भी बता दिया। फिर उसके बाद फ्लक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया कि फ्लक्स क्या क्या है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन के बारे में, ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे ये मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन, आप लोग नोट करो कि इसका डेफिनेशन को ऐसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू विच इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस एरिया। तो ये है उसका इसका डेफिनेशन, इसको बढ़िया से लिख लो और इसको मैं समझा देता हूँ, बढ़िया से समझना भी है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि प्रोपोर्शनल है, किसके साथ, इक्वल तो नहीं बोलूंगा प्रोपोर्शनल बोलूंगा, कि ये जो वर्ड है ना प्रोपोर्शनल वर्ड इसको केयरफुली में यूज किया है ना, इसका भी मतलब। तो प्रोपोर्शनल किसके साथ है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली है ना,
तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस एरिया, तो एक गिवन सरफेस एरिया के थ्रू तो हमारा कितना टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो यही टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही हम बोलेंगे क्या, मतलब इसके साथ प्रोपोर्शनल हम इक्वल भी बोल सकते हैं ना, तो इसको ही बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको बताता क्या है? ओके, तो एक्चुअली क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो नहीं करता है, मतलब एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो थोड़ी ना फ्लो कर रहा है, उसके अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग इंटेंसिटीज है ना, अलग अलग स्ट्रेंथ्स है, उसको शो करने के लिए हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों को पता है बढ़िया से। तो एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, बस सरफेस के मतलब पे है ना, सरफेस पे हमारा फील्ड लाइन का क्या इंटेंसिटी है, वहाँ पे स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, वो हम कैसे पता करेंगे बताओ मेरे को? तो उस सरफेस के थ्रू किसना कितना हमारा कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कर रहा है वो अगर हमको पता होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमको पता होगा उस सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है, तब हम बता पाएंगे कि वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको बताता है स्ट्रेंथ के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ जो है एट ए पर्टिकुलर सरफेस वो हमको बताता है, बताया समझ में? तो इसलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे इसको लिख देते हैं। देखो, इट टेल्स अस अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है इसको बताता है एट ए गिवन सरफेस। तो एक गिवन सरफेस के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रॉन्गर है, कितना वीकर है, उसको बताता है हमको, वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पता कर, मतलब पता हो जाएगा, तो ये पता चल जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा उसका डेफिनेशन। ओके, तो अब डेफिनेशन से इसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी करेंगे, तो उसके लिए हमको जरूरत है डायग्राम। तो ये डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट में इसका डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ और बढ़िया से देखो। तो जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात आएगा तो आपके दिमाग में दो चीज आना चाहिए, एक गिवन सरफेस एरिया और दूसरा चीज है फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस होना चाहिए, एक गिवन सरफेस एरिया होना चाहिए, ये दोनों चीज है तो आपको वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, पता है समझ में? तो इसलिए मैं पहले एक सरफेस एरिया ले रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल एक प्लेनर सरफेस एरिया हमारे पास है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है ये बाहर की तरफ है। ओके, और यहाँ पे देखो ये फील्ड लाइंस इसके थ्रू ऐसे पास कर रहे हैं और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू पास कर रहे हैं और ये फील्ड लाइंस ऐसे इसके थ्रू जा रहे हैं। क्लियर है? तो इस केस में मेरे को बताओ ये जो एरिया वेक्टर है ये क्या हो गया? एस वेक्टर। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैसे शो करते हैं हम? ई वेक्टर से। तो ये ई वेक्टर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करके हम बता रहे हैं। फिर ये हो गया सरफेस एरिया का ये वेक्टर। ओके, तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू कितना लिंक्ड है वो हमको कैसे पता चलेगा? तो वो पता मतलब कर पाएंगे हम जब हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिंपली एक है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और दूसरा है एरिया वेक्टर, ये दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एरिया जितना बड़ा होगा तो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा ना, उतना ही ज्यादा फील्ड लाइंस उसके थ्रू पास कर पाएंगे। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये प्रोपोर्शनल टू है किसके साथ? एरिया के साथ, एरिया वेक्टर के साथ। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अगर एक पर्टिकुलर गिवन सरफेस एरिया हमारे पास है तो उसके थ्रू बहुत ज्यादा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पास कराऊंगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी प्रोपोर्शनल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट जितना होगा तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड बनेगा, उतना ही ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगे तो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, बताया समझ में? तो यहां से हमको पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये डिपेंड कर रहा है, ये प्रोपोर्शनल है दो क्वांटिटी के ऊपर। एक है, मैं अभी वेक्टर नहीं ले रहा, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्रोपोर्शनल है और किसके साथ प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल है इसके साथ, मतलब सरफेस एरिया के साथ प्रोपोर्शनल है। इतना आपको समझ में आ गया? अब देखो ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स
ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा E इंटू एस। तो ये दोनों का प्रोडक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे, ज्यादा बड़ा सरफेस के थ्रू पास करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के थ्रू ज्यादा होगा। पता है समझ में? तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। क्लियर? तो ES के साथ ये प्रोपोर्शनल होगा, इतना हमको पता चल गया। कब? जब हमारा प्लेनर सरफेस है और ये सरफेस परपेंडिकुलर रखा गया यूनिफॉर्म फील्ड को और वो फील्ड पास कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई सिंबल से शो करते हैं। तो ये फाई सिंबल देखो, तो एक चीज आप लोगों को इतना पता चल गया कि ये फाई जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इसके साथ प्रोपोर्शनल है। और ये तब होगा जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। देखो ये अगर परपेंडिकुलर है, इसका जो एरिया वेक्टर जिस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी तरफ जा रहा है, तो उस केस में ये ES के साथ प्रोपोर्शनल होगा। मगर ऐसा भी केस हो सकता है, देखो दूसरा डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ, इस तरह का केस में क्या होगा इसको समझो। तो फिर दोनों केस से हम एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। क्लियर? तो अब ऐसे भी सरफेस वही रह सकता है, सरफेस जो प्लॉट किया था मैं, सरफेस वही रहेगा, मतलब इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन के अलावा रहेगा, मगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे आ रहे हैं, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो अब ऐसे आ रहे हैं। ओके? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एक एंगल बन जा रहा है थीटा। क्या बन जा रहा है? थीटा। तो इस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वही दो क्वांटिटी, मतलब इस डायरेक्शन के अलोंग, ये सरफेस एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन के अलोंग है, उस डायरेक्शन के अलोंग ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंपोनेंट है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ध्यान से सुनो, है ना? तो देखो पहले इस केस में जो फाई है, मैं फाई लिख रहा हूँ, तो इस केस में जो फाई है ये तो प्रोपोर्शनल रहेगा, एस के साथ तो प्रोपोर्शनल रहेगा ही रहेगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ पूरा प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से सुनो कि हमारा जो टारगेट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू दिस सरफेस निकालना है। तो ये सरफेस का जो आइडेंटिटी है, उसका डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ये सरफेस ओरिएंटेड है, ये उसका वेक्टर है, एरिया वेक्टर है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, इसके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है उसको पता करना पड़ेगा, उसके साथ हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दिखा दिया। बताए समझ में? तो इसलिए तो फ्लक्स अब प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट एरिया वेक्टर के डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा, ई का जो कंपोनेंट एस के डायरेक्ट ई कॉस थीटा बन जाएगा। तो इसलिए ई कॉस थीटा के ऊपर ये प्रोपोर्शनल है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कब? जब ई और एस दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं रहते हैं। समझ में? अब ये दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा कि फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू ई एस कॉस थीटा। तो यहां से हमको ये पता चला, तो थीटा का अलग अलग एंगल जब बदलाएंगे तो सबके लिए ये जनरल फॉर्मूला लागू होगा। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तब के लिए ये फॉर्मूला लागू होगा। तो इस चीजों से हमको क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी था, एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी था, और दोनों के रिलेशन से हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंड मतलब थ्रू ए गिवन सरफेस एरिया। तो ये स्केलर क्वांटिटी दो वेक्टर क्वांटिटी से मिल रहा है और इस तरह का फॉर्मूला है। तो इसको सोचो हम डॉट प्रोडक्ट से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। अगर ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी में लिख सकता हूँ तो फाई ये ई एस कॉस थीटा आ रहा है, तो फाई को मैं ई डॉट एस नहीं लिख सकता हूँ क्या? तो इसलिए हम लिखेंगे कि फाई इक्वल टू, ये जनरल एक्सप्रेशन है, तो इसलिए लिखेंगे ई डॉट एस, क्योंकि ई डॉट एस हमको पता है कि ई डॉट एस होता है ई एस कॉस थीटा। क्या होता है? ई एस कॉस थीटा। तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ई एस कॉस थीटा हमको मिल जाएगा। बात आया समझ में? और ये हमेशा याद रखना, ये थीटा जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में रिलेशनशिप है। किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, मतलब एंगल है। ओके? तो ये एंगल ये है हमारा थीटा। तो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में था तो थीटा जीरो था, तो जब थीटा जीरो था तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो ई एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ई एस। बताए समझ में? तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव फ्लक्स या फॉरवर्ड फ्लक्स, है ना? तो आप लोगों को पता है जब थीटा जीरो हो जाता है कॉस का वैल्यू हो जाता है मैक्सिमम, तो उस केस में फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। जब
एरिया वेक्टर के अलोंग हमारा फील्ड लाइन सब पास करेगा, बात है समझ में। तो उस केस में फील्ड लाइन, फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, थीटा जीरो बनेगा और कॉस जीरो मतलब होता है वन, तो उस केस में हमको ये जो मिलेगा जब, तो इसका मतलब है थीटा जब जीरो होगा हमको पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा, क्लियर है। और ये हमेशा सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर जाएगा, क्लियर। अब दूसरा देखो, दूसरा बात बता रहा हूँ, मेरे को बताओ जब एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है और फील्ड लाइन उधर से इधर की तरफ आ रहा है तो मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो अगर एरिया वेक्टर इस तरफ है, फील्ड लाइन इस तरफ आ रहा है, तो थीटा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो उस केस में जब ई वेक्टर और एस वेक्टर एरिया वेक्टर के बीच में थीटा बन गया 180 डिग्री, तो कॉस 180 कितना हो जाएगा, माइनस 1, उस केस में हमको मिलेगा नेगेटिव फ्लक्स, क्या मिलेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस तरह का फ्लक्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स और ये मैक्सिमम फ्लक्स, ये भी मिनिमम फ्लक्स। अब एक जीरो फ्लक्स भी, जीरो फ्लक्स कब होगा मेरे को बताओ, जब एक सरफेस एरिया एरिया वेक्टर इस तरफ है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है, जो 90 डिग्री एंगल करके बना रहा है, मतलब अलोंग द सरफेस, जैसे कि ये हो गया सरफेस एरिया ना, देखो ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल बाहर ऊपर ऊपर की तरफ है, हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, और हमारा फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है या फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है ना, उस केस में थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो उस जैसे एक सरफेस को पैरेलल फील्ड लाइन पास करता है उसके नॉर्मल के साथ वो बना देता है 90 एंगल, उस केस में जीरो फ्लक्स, इस सरफेस के साथ कोई फ्लक्स लिंक नहीं है, फ्लक्स तो इधर पास कर रहा है, इससे बाहर की तरफ कितना पास कर रहा है, जीरो पास कर रहा है। तो उस केस में जब थीटा हमारा 90 रहेगा तो जीरो फ्लक्स, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है जब एंगल बन जाता है 90, तो इस केस में हमको मिलेगा जीरो फ्लक्स। तो इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ कि एक सरफेस, ये हो गया एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो जितना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास कर रहा है बाहर की तरफ तो पॉजिटिव फ्लक्स, अगर ऐसे फील्ड लाइन्स पास कर रहा है अंदर की तरफ तो नेगेटिव फ्लक्स, अगर ऐसे पास कर रहा है या ऐसे पास कर रहा है तो हो गया जीरो फ्लक्स, क्या हो गया, जीरो फ्लक्स, ये हमेशा याद रखना। तो इसलिए हमको जरूरत था समझना एरिया वेक्टर का कंसेप्ट, ये कंपोनेंट का कंसेप्ट और डॉट प्रोडक्ट का मतलब कंसेप्ट, तो ये अगर नहीं समझते तो हमको ये सारा चीज़ नहीं समझ में आता। तो अब आप लोगों को इतना पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे उस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल है ES cos थीटा के साथ, क्लियर है। तो इसलिए हमको ये फॉर्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, आया समझ में बात। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आया फ्लक्स है क्या, एरिया वेक्टर है क्या, और डॉट प्रोडक्ट कंसेप्ट कैसे यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो फ्लक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आएगी तब दो चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, एक सरफेस एरिया और फील्ड लाइंस, ओके। तो ये दोनों चीज अगर याद आया आप लोगों के दिमाग में आया तो फिर आप लोग आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट को समझ सकते हो और आगे जाके उसके एप्लीकेशन को भी मतलब कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन यू प्लीज बी स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।